भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार कर लिया है। इस ड्रोन का नाम वरुण है। इस ड्रोन को पुणे स्थित भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। जल्द ही इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। स्वावलंबन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया था। ड्रोन का एकमात्र उद्देश्य स्वदेशी तकनीक को विकसित करना है। आइए जानते हैं कि वरुण ड्रोन की खासियत क्या है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि ड्रोन वरुण देश का पहला मानव ले जाने वाला ड्रोन है। इसे जल्दी ही नौसेना में शामिल किया जाएगा। वरुण ड्रोन को पूरी तरह परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना इसे युद्ध पोतों पर इस्तेमाल करेगी। फिलहाल जमीन पर इसका ट्रायल हो चुका है। अगले 3 महीने में इसका समुद्री परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ये इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा। इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा और इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। ये ड्रोन उसे खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसे रिमोट की सहायता से संचालित किया जाएगा। ये ड्रोन 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है और 30 मिनट में 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। बताया जा रहा है कि ड्रोन हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंड कर सकता है। इसमें एक पैराशूट भी है जो इमरजेंसी या खराबी के दौरान अपने आप खुल जाएगा और ड्रोन सुरक्षित लैंड हो जाएगा। ड्रोन के निर्माताओं का दावा है कि ये ड्रोन एक स्टैंडर्ड जेट पेलोड अटैचमेंट के साथ तरल पदार्थ, उपकरण और मानव सहित सामान ले जा सकता है, जिससे नौसेना का काम काफी आसान हो सकता है। अभी अगर नौसेना को समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज पर माल ट्रांसफर करना होता है तो दोनों जहाजों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है और फिर माल की ढुलाई की जाती है। बताया जा रहा है कि वरुण की मदद से ये काम आसानी से कर लिया जाएगा। इसमें 4 ऑटो पायलट मोड है। कुछ रोटर के खराब होने की स्थिति में भी लगातार उड़ने की क्षमता को बरकरार रखते हैं। ये जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस ड्रोन से राष्ट्र की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। भविष्य में नौसेना के अलावा इसका इस्तेमाल मरीज को अस्पताल ले जाने यानी एयर एम्बुलेंस के तौर पर, शहरों में एयर टैक्सी के तौर पर और आपदा राहत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।